गुड मॉर्निंग क्लास। आपको कल हम पढ़ा दिए थे आहार नाल। क्या जी? लार ग्रंथि पढ़ा दिए थे। हाँ बताइए, आप लोग कहे खड़े हैं बाबू? पीछे कहीं चले जाइए, नहीं तो हॉल नंबर 2 में चले जाइए, नहीं तो नीचे बैठ जाइए। ऐसे ऐसे सब लड़का ऐसे आप बीच में से खड़े हो जाएंगे तो पटांग लगेगा ना। देखिए बाबू, कल हम आपको पाचन का हिस्सा बताए थे। पाचन की क्रिया मुंह से चालू हो जाती है। कहाँ से चालू होते हैं? मुंह से। तो उसे कहते हैं मुख गुहा। गुहा मतलब खाली जगह। मुंह एक खाली जगह है। मुख गुहा के नीचे आता है ग्रास नली। ग्रास नली के नीचे आमाशय। आमाशय के नीचे छोटी आंत। कौन सी आंत? छोटी आंत। ये सब आहार नाल का हिस्सा है, क्योंकि हमारे भोजन का आहार इसी नली में जाता है, इसलिए इसे आहार नाल कहते हैं। ये छोटा सा हिस्सा इसे हम ग्रास नली कहते हैं, जो यहाँ से यहाँ पहुँचाने के काम में आता है। ग्रास नली। ग्रास नली तो एक छोटा सा हिस्सा और आहार नाल बहुत बड़ा। आहार नाल किससे यहाँ जुड़ गया? बड़ी आंत। ये कौन सी आंत हो गई? बड़ी। टाइफाइड में कौन सी आंत प्रभावित होती है? बड़ी आंत। डायरिया में भी बड़ी आंत। ये मलास है और यहाँ से गुदा। ये पूरा सिस्टम क्या है? आहार नाल। क्या है? आहार नाल। आहार नाल। किसी कोई दिक्कत? एप्लीकेशन अपडेट हुआ है, कुछ प्रॉब्लम आएगी तो आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा। 10% लोगों का एप्लीकेशन अपडेट हो गया और कल आप लोग का 50% का अपडेट हो जाएगा। 10 तारीख तक 100% एप्लीकेशन अपडेट हो जाएगा। हाँ, ब्लॉगिंग दोबारा करने के लिए बोल रहा है? कितने लोगों को लॉगिंग दोबारा बोल रहा है? बहुतों को बोल दिया। तुम इधर 4-5 लोग अपना नंबर लिख के जमा कर देना वहाँ पर, ठीक है? उस पर चेक कर लेगा आदमी, तुम लोग को टेक्निकल टीम तुम बात कर लेगी आप लोग से। 4-5 लोग को पुराना मोबाइल है क्या? नया मोबाइल है? कोई बात नहीं, सही हो जाता है। जैसे कोई अपडेट आता है ना, कैसे आपको अभी टॉनिक सिरप पिया जाएगा तो मुंह बनाने लगते हैं, उसी तरह एप्लीकेशन में कुछ भी अपडेट आता है ना तो मुंह बनाने लगता है, लॉगिंग पूछते लगता है। तो आपका खुल जाता होगा, बस थोड़ा सा ये है कि दोबारा लॉगिंग पूछने लगा होगा। तो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं, उसके बाद फिर नहीं पूछा होगा, लेकिन आप बार बार पूछ रहा है। हाँ सही हो जाएगा वो, ठीक है। यहां देखिए ध्यान से, ये वाला किधर गया? ये आपका मुख गुहा। क्या है? मुख गुहा। मुख गुहा से भोजन जाता है ग्रास में, उसके बाद आमाशय, उसके बाद छोटी है, छोटी याद के बाद बड़ी याद, बड़ी याद के बाद मलाशय, मलाशय के बाद गुदा। इस पूरे को हम क्या कहते हैं? आहार। इसमें सबसे पहले भोजन पहुंचता है मुख गुहा में। क्या पहुंचेगा? मुख गुहा। मुख गुहा, बक्कल कैविटी। मुख गुहा यानी बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी, समझ आ गया कि नहीं आ गया? मुख गुहा बक्कल कैविटी में 3 चीजें होती हैं। एक आपका जीभ हो गया जो स्वाद बताएगा, दांत जो भोजन को कूच देगा, और लार ग्रंथि। लार ग्रंथि कल पढ़ा दिए थे। जीभ पाचन के काम में नहीं आता है, स्वाद बताता। दांत पाचन के काम में आता है, पढ़ा चुके हैं, दांत पढ़ा चुके हैं। लार ग्रंथि दिन में 1 से 1.5 लीटर लार बनाती है, 1 से 1.5 लीटर लार का निर्माण करती है। स्लाइवरी ग्लैंड कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहेंगे? स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड, किसी को दिक्कत? स्लाइवरी ग्लैंड से 3 प्रकार के जो लार निकलते हैं, कितने लीटर निकलते हैं? 1.5 लीटर। यह 3 अलग अलग प्रकार की हमारे पास लार ग्रंथियां होती हैं, आपको पढ़ा दिए। सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड, सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड, पैरोटिड, पैरोटिड। दूसरा सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल, सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल, सब लिंगुअल। ये कल पढ़ा दिए थे ना। सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड। सांप में यही पैरोटिड ग्रंथि जहर का काम कर,
सांप में किसका काम करता है? जहर, जहर का काम करने लगता है। और हम लोगों में तो स्लाइवा यानी लार बनाने के काम में आता है। सांप में ये जहर का काम करता है। गलसुआ होने में ये तीनों लार ग्रंथियां फूल जाती हैं। क्या हो जाती है? फूल जाती है, फिर वो नॉर्मली सही हो जाती है। इसमें यहाँ पर लार ग्रंथि से ये तीन जोड़ी होती है, मतलब ये पैरोटिड लार ग्रंथि दो होती है, एक ही साइड एक ही साइड। तो लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होगी? तीन जोड़ी। कितनी होगी? जैसे भोजन मुंह में जाता है, यहां से क्या टपकाने लगता है? लार टपकाने लगता है। वो लार टपका के उस भोजन को में, लार में अलग अलग टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं, अलग अलग एंजाइम पाए जाते हैं। ये कल पढ़ा दिया था ना, लार में बेसिकली चार टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं। ये मिटा था ना, सब लिंगुअल सब मैंडिबुलर। कितने कितनी लार ग्रंथियां होती हैं? सबसे बड़ी पैरोटिड सब मैंडिबुलर सब लिंगुअल, पैरोटिड सब लिंगुअल सब मैंडिबुलर, पैरोटिड सब लिंगुअल सब मैंडिबुलर सब लिंगुअल। इसमें से सबसे पहले जो निकलता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम भोजन में पाए जाने वाले कीटाणुओं को मार देता है, लाइसोजाइम। इसलिए मुंह में ज्यादा से ज्यादा भोजन को रखना चाहिए ताकि कीटाणुओं को मार दे। दूसरा म्यूलिन, म्यूलिन का काम होता है भोजन को छिपछिपा बना देना, भोजन को छिपछिप ताकि निगलने में आसानी, तो उसको जितना देर रखेंगे उतना निगलने में आसानी नहीं हो। उसके बाद ये तीन दोनों का काम है डाइस्टेज, डाइस्टेज और टाइलिन, ये पढ़ाना है। देखिए डाइस्टेज और टाइलिन दोनों का काम एक ही है। ये दोनों का एक काम, ये देखिए कीटाणुओं को मारता है, लाइस हमारे आंसू में भी लाइसोजाइम पाया जाता है, थूक में भी लाइसोजाइम पाया जाता है, पसीने में भी पाया जाता है। तो पसीना भी आपके कीटाणुओं को मार देता है, जितना भी कीटाणु वगैरह रहेंगे सब ना, पसीना उन लोगों को क्या कर देगा? मार देता है, छोटा मोटा कीटाणु लोग को। अगर बाकी ऐसे जगह पे हमारे शरीर में बहुत सारे क्या हैं कीटाणु, अगर आप माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो सोचिए कि हम लोग जिंदा कैसे हैं, इतने ज़्यादा कीटाणु रहते हैं। लेकिन हम लोग ना थेथर हो गए, थेथर मतलब समझते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कितना मलेरिया वाला के चल जाता है ऐसे, जैसे निकल यहाँ से मलेरिया देता है। लेकिन किसी का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, पकड़ लेता है मलेरिया। डेंगू तो अभी भयानक फैला हुआ है, हाँ अब तो बहुत डेंगू तेजी से फैला है। तो आप लोग मच्छरदानी या फिर वो सीबीएसई वाला एगो ऑल आउट, वो ऑल आउट जलाता है सब, वो ठीक है। नहीं तो आप लोग गोईठा जलाइए, लॉज में धुआं धुआं हो जाएगा, अगल बगल वाला कुंची जला दिया रे गोईटा, और उसमें लोबान हाँ, और उसको धुआं मर्चा कुंची नजर उतार रहा है, कंजू कह रहा मिर्चा भी नजर उतार रहा है, हमें नजर उतारना। भारत में एक से एक टेक्नोलॉजी है, मतलब एकदम समझिए कैसे झाड़ू का तिनका पीला, सरसों चौराहा का मिट्टी, ऐसे मिर्चा लाल पीछे डंटी के साथ लेके, और वाईफाई का कनेक्शन लिए ये नहीं समझे पूरा जबरदस्त होता है भारत में, नजर वजर लग जाता है छोटे लड़कों को ऐसे कहा जाता है, लगता है जो छोटका लड़का होता है हमेशा बीमारे पड़ते रहता है सब, दो तीन साल का जब तक रहेगा रोएगा सोचो रतिया को उठ के डाइस्टेज और टाइलिन, डाइस्टेज और टाइलिन। ये हमारे लार में और थूक में सबसे ज्यादा टाइलिन होता है और डाइस्टेज होता है। इसका काम होता है स्टार्च का पाचन करना। किसका? स्टार्च। स्टार्च को हम हिंदी में कहते हैं मंड, क्या कहेंगे? मंड। हमारे भोजन में मंड का रहना बहुत जरूरी है, समझ में आ गया कि नहीं? किसी को दिक्कत? मंड क्या होता है? तो अनाज का बाहरी जो भाग होता है, अनाज का बाहरी भाग जिसे हम लोग चोकर कहते हैं, क्या कहते हैं? चोकर। उसे हम लोग कहते हैं स्टार्च या मंड। चोकर हमारे खाने में होना जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। इसलिए जब भी आप आटा खाते हैं ना, तो उसमें जब आटा को चालते हैं तो उसका 80% चोकर बाहर चला जाता है, क्योंकि वो बड़े साइज का जो चोकर होता है वो कहाँ चला जाता है? बाहर। और उसको गाय भैंस खा लेते हैं, और छोटे साइज वाला आटा के साथ आ जाता है। तो आपके भोजन में कितना भी आटा चाल दीजिए, स्टार्च यानी मंड उसमें आएगा। अगर आपने 100% चाल दिया तो मैदा हो जाता है, क्या हो जाएगा? मैदा। आप बताइए
अब जैसे हम ऐसे नॉर्मल रोटी 8 गो हम खा जाते हैं, मैदा का 8 गो रोटी हम पचा नहीं पाएंगे, कोई नहीं पचा पाता, मैदा नहीं पच पाएगा, क्योंकि हमारे भोजन में स्टार्च का होना जरूरी है। किसी को दिक्कत तो बताइए, भोजन में पाए जाने वाले मंड यानी स्टार्च का पाचन कौन करता है? हाँ, डाइस्टेज और टाइली, डाइस्टेज और टाइली। तो इसलिए देखिएगा, हमारा नेचर है कि हम रोटी को ज्यादा चबाते हैं, क्योंकि रोटी के बाहर क्या होता है स्टार्च, चावल के बाहर स्टार्च नहीं है। रीजन क्या है कि आजकल तो पॉलिश वाला चावल आ गया, उसका मार निकल ही नहीं रहा है, क्या जरूरत बचता है। तो पहले ना मार निकलता था चावल, पहले बहुत झमेला होता था, अब आजकल के लड़का सबको मार पता भी है कि नहीं रहता है, गाँव के लड़का लोगों को तो पता रहता है। तो आजकल की चावल पॉलिश वाला आ गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत? अब एक लड़का कह रहा है कि सर एक बार म्यूलिन दोबारा समझा दीजिए, ये पढ़ाते पढ़ाते ना इसका ध्यान कहीं चला गया होगा, और तब तक म्यूलिन निकल गया होगा आगे। अरे गधा, म्यूलिन में तो कुछ समझना ही नहीं, भोजन को चिपचिपा कर देता ताकि फ्रिक्शन कम हो, घोटने में आसानी हो। यही हाल होता है लड़का सबका, पढ़ते पढ़ते अचानक याद आ जाता होगा उस सबको। अच्छा, मैसेज आया होगा, ओ हो, देखो ये एकदम, हम क्या कहें, नॉलेज के साथ साथ अनुभव भी जरूरी है। माया बताइए, अब उसको रोक भी नहीं सकता, क्योंकि नेट बंद कीजिएगा तो फिर क्लास कैसे चलेगा। लड़की सब कहा डिस्टर्ब करती है इस लड़का को, बताइए, सब लोग लड़के सबको दोष देता है। तुम जी गांधी जी, कोई दिक्कत? ध्यान दीजिए, चोकर मतलब समझे, अनाज का बाहरी भाग क्या होता है? स्टार्च, स्टार्च होता है। पत्ती जो होता है ना पत्ती, वो भी क्या है? स्टार्च, पत्ती भी स्टार्च। यानी अगर हम पत्ती खाएंगे तो हमको मुंह में ज्यादा चबाना पड़ेगा, क्योंकि मुंह में ही क्या है, टाइलिन और डाइस्टेज, तो ज्यादा चबाना पड़ेगा हमको अगर हम पत्ती खाएं तो। तो बकरी गाय भैंस ज्यादातर तो पतइये खाते हैं, ज्यादातर चोकरे खाते हैं सब। और दूसरा इन सब के पास एक और दिक्कत है, जल्दी खाओ ना तो दूसर को ना समेट देगा आके। दड़ा दड़ पूरा खाओ लेगे सब। तो उसका दो गो पेट होता है, गाय भैंस में एक एक्स्ट्रा थैली होता है, रूमल बोलते हैं इसे, रूमल। तो जल्दी 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 ढकेल लेके कहाँ पे, रूमल में। अब उसके साइड में जाके आराम से देखेगा, कोनो ऊंचा जगह है, कोनो दीवाल उवाल है तो टेक लेके आराम से बैठ जाएगा, और वह निकालेगा उनमें से तनी तनी। जितना ज्यादा खैले रहेगा उतना ज्यादा कौरी करेगा, समझ में आ गया कि नहीं? उसको जुगाली या कौरी बोलते हैं ना, हाँ, पाकुरी, जो भी आपको बोलते रहिए, आप जुगाली करते रहता है, जो जितना खाएगा उतना ज्यादा करेगा। सबसे हुमच के खाती है भैंस। भैंस 3 घंटा तक जुगाली करेगी, और उसका सफेद सफेद टपकते रह गया, कोई भैंस को मतलब नहीं रहा, उसकी अपनी दुनिया है। कोई मतलब नहीं उसको, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, आराम से अपना भर पेट खा गई। उसके बाद जब पेट में चला जाएगा तो उससे उसको डबल फायदा, एक मुंह से पाचन की क्रिया भी बहुत ज्यादा होगी। तो पेट में गाय भैंस के रूमर, अब गाय भैंस के साथ समस्या ये है ना कि आप तो उसको छोड़ा हुआ खाना देते हैं, एकदम फालतू जो हो जाता है जानवरों को, उसमें से उन बेचारों में कॉम्पिटिशन है, दूसर खा जाएगा। तो जल्दबाजी में कभी कभी वो लोग ना कांटी कील लोहा का ये भी खा जाते हैं, और घोटने का तो घोट गया, लेकिन बाई नेचर देखिए कितना अच्छा व्यवस्था, उसके पेट में नहीं गया है, कहाँ गया है, रूमल में गया है, कहाँ गया है, रूमल। और जब वो रूमल में चला जाएगा ना, तो जब जैसे वो वापस घींचेगा उसको, तो वो कांटी चुभने लगेगा, तो घींचबे नहीं करेगा उसको। अब ढकेलेगा पीछे तो फिर कांटी चुभेगा, क्योंकि कांटी भारी होता है, सबसे नीचे चला जाएगा, यहाँ पे खींचेगा, अब बेचारा जानवर क्या करेगा, खाना छोड़ देगा। और जब खाना छोड़ देगा तो जानवर का अगला पैर जो है ना वो थोड़ा दूर हो जाएगा, ऐसे हल्का दूरी बन जाएगी, और ये इतना टाइट हो जाएगा गर्दन, आप देखिए आपको कहीं एक पिन चुभ जाए, अब जब वो पकने के कगार पे होता है तो एकदम टाइट हो जाता है, और हल्का सा ऐसे लगता है तो आदमी पूरा दहल जाता है। सोचिए बेचारी का तो इंटरनल ऑर्गन में उतना लगा। एक नॉर्मल सा ऑपरेशन होता है रूमर ऑपरेशन, इंजेक्शन दे के डॉक्टर गाय भैंस को सुन कर देता है, एक बड़ा सा चीरा लगाता है और हाथ डाल के पूरा जो गाय भैंस जो
घास भूसा खाइए उसको निकालता है बाहर और उसमें देखता है कहाँ कुछ है, जब देख लेता है तो उसमें काटी उटी निकाल के हटा देता है, फिर उसको साफ कर देता है, फिर दोबारा देखा जाता है कि इसमें और तो कोई काटी नहीं है, फिर उसको वापस भर दिया जाता है। क्योंकि अगर वापस नहीं भरेंगे, ऐसे ही सिल देंगे, तो जैसे उसको शॉक लग जाएगा, बॉडी में अचानक कमी हो जाएगी, क्योंकि वो तो डर ही है, खाएगी है ये नहीं कुछ, उसको लगेगा अभी भी डर, और तो वापस उसी में भर दिया जाता है। और ये ऑपरेशन मतलब भैंस को खड़े खड़े कर दिया जाता है, जैसे ही ऑपरेशन सही हो जाता है ठीक हो जाता। हमारे देश में ऐसी समस्याएं हैं ना, लोग दूसरों का मजाक बहुत उड़ाते हैं। जो MBBS डॉक्टर है, जो हार्ट का डॉक्टर है, ब्रेन का डॉक्टर, उसकी तो बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। जानवरों को डॉक्टर कहते हैं, अरे पारा का डॉक्टर है, अजब हाल है। वो वेटरनरी डॉक्टर है, वो एक बहुत ही महान काम कर रहा है, उसे पता है कि जिसका यह इलाज कर रहा है वो पैसा रुपया जानता ही नहीं है, जिस जानवर का इलाज कर रहा है पैसा नहीं दे सकता है। वो डॉक्टर एक बहुत, एक डॉक्टरी पेशा के साथ वेटनरी डॉक्टर एक बहुत महान काम कर रहा है। भारत के और विश्व के सभी वेटनरी डॉक्टरों को सैल्यूट कि आप उनका इलाज कर रहे हैं जिन्हें पता ही नहीं कि आप डॉक्टर हैं। आप उसके लिए भला, यहां आदमी किसी को दो रोटी खिला देता है तो सोचता है कि हमारा नाम ले, वो बेचारे उनका इलाज करते हैं। तो भारत में ना वेटनरी डॉक्टर में बहुत कम लोग जाना चाहते हैं, सबको एम्स में जाएंगे, इधर जाएंगे, बड़ा वेटनरी जल्दी बनना नहीं चाहते, जबकि भारत में बहुत ज़रूरत है वेटनरी डॉक्टरों का। हर गांव में एक वेटनरी सर्जन होना चाहिए, हर गांव में वेटनरी सर्जन, नहीं उस गांव में कैसे अपने पशुओं को रख दिया, किसके भरोसे? यहां पर केवल नेतागिरी में है कि चुनाव में जानवर सब का भी अहमियत बढ़ जाता है, वरना उन बेचारों की जिंदगी देखिए कितनी खराब है। तो एक वेटनरी डॉक्टर वहाँ होना चाहिए, बहुत जरूरी है। वहाँ गांव में पशु ऐसे हजारों पशु प्रतिदिन मरते हैं कि गांव के आदमी को पता ही नहीं कि खाना छोड़ दिया, कहेगा एकदम टाइट हो गया ये, अरे बेचारा 10 दिन में मरेगा जानवर, छोटा सा प्रॉब्लम था, छोटा सा, उसका ब्लड भी नहीं निकलता है। जो ऑपरेशन करेगा ना, हल्का सा चमड़ा चीरने में ब्लड निकलेगा, रूमल तो खाली जगह होता है, निकाल के हाथ से ऐसे ऑपरेशन करके कर देता, तुरंत सही हो जाता है। आप तो ये गाय भैंस में ये ज़्यादा समझते, गवर्नमेंट को इस सबसे मतलब थोड़ी है। गवर्नमेंट को मतलब कब रहता है? जब ये गाय भैंस भी वोट डालने जाते तो लंपी का तुरंत वैक्सीन निकल जाता, जैसे कोरोना का निकला था। लेकिन क्या कीजिएगा, गाय का वोट नहीं ना होता है, गाय भैंस जानवरी वोट नहीं डालते हैं सर, डालते सब ना तो इनका भी नेतवा सुनता सर, एटलीस्ट हम लोग का चुनाव के टाइम तो सुनता है सर, उसके बाद बाढ़ में जाए नहीं समझा। हमसे एक तो मिल गए थे छुट्टी में, कह रहे थे खान सर हम आपसे नाराजगी व्यक्त करना चाहते हैं, कह कर दीजिए, दीर्घ उत्तरी व्यक्त कीजिए। कह कि आप आज की युवाओं को हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं, हम नहीं भड़का रहे, आपकी हकीकत बता रहे हैं, हमने कभी भड़काया आप लोग को? आगे बढ़े बताइए। हम आजकल हम लोग पढ़ लिख लिया, अब कोई जरूरत नहीं है किसी को किसी भड़काने बिना, कोई कौन पड़ाका है दिवाली का भड़काएंगे हम। तो ध्यान दीजिए, स्टार्च क्या होता है, चोकर, उस समय तो टाइलिन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भोजन में आप लोग जब अच्छा मैदा खा जाइए, ऐसे टाइलिन की कुछ खास जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें स्टार्च तो बहुत कम है, तो स्टार्च की मात्रा का होना जरूरी रहता है भोजन में। वो पानी को एब्जॉर्ब करता है, आपके शरीर में पानी का रहना जरूरी है। मैदा पानी उतना नहीं सोख पाएगा जितना आटा, और आटा से ज्यादा पानी सोखेगा उसका चोकर, उसका जो चोकर होता है स्टार्च बड़ा जबरदस्त पानी सोख लेता है, चोकर में देखिएगा ना पानी खूब अच्छा से सोख लेगा। तो बताइए जो पाचन की क्रिया चालू होती है वो आहार नाल के किस जगह से शुरू हो जाता है? मुख गुहा। मुख गुहा में क्या जीभ पाचन का काम करता है? नहीं। दांत पाचन का करेगा? करेगा। अरे दांतवे तो टूटा ना, तो खड़े रोटियां घोंट जाइए ना, तनी स्टार्च मिला के पचेगा। अरे उसको पहले कूचिएगा, तब ना कूच के उसमें 3-4 बार पलटना मारिएगा उसमें जीभ से, कभी कभी पकड़ा जाता है गलती से, जीभ भी कभी कभी गलती से पकड़ा जाता है। इसीलिए कहा जाता है जीवन में किसी के ऊपर 100% भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि अपना ही दांत कभी कभी जीभ को काट देता है, तो 100% किसी पे आंख बंद करके भरोसा नहीं। और आप लोग तो बहुत कम में भरोसा कीजिएगा लड़की लोग, खास करके खचरा सब पे। आगे बढ़े, लाइसोजाइम का काम कीटाणुओं को मार, म्यूलिन का काम छिपछिपा, डाइस्टेज और टाइलिन का काम, स्टार्च का पाचन, किसका पाचन? स्टार्च का पाचन। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना?
आगे बढ़े, अब खाने को मुंह से अब हम नीचे ले जाते हैं ऑयसोफेगस में, किसमें? ऑयसोफेगस में, ये है ऑयसोफेगस, इसे हम कहते हैं ग्रास नली, क्या कहेंगे? ग्रास नली, ऑयसोफेगस, ऑयसोफेगस ग्रास नली। तो भोजन अब कहाँ जाएगा? ग्रास नली। ग्रास नली में किसी भी तरह का पाचन नहीं होता, इसमें भोजन को बस नीचे ले जाया जाता है। और ये नली जो होती है ना, एक सीधी नहीं होती है, ये फूलती पचकते रहती है ऐसे। ये नली क्या होगी? पचकते फूलते रहेगी, ऑटोमेटिक होगी। जैसे खाना जाएगा ना, थोड़ा पचकेगा फिर फूलेगा, ऐसे पचकेगा फिर फूलेगा, पचकेगा फूलेगा। इसको कहते हैं क्रमानुकूचन, क्या कहेंगे? इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती। अच्छा, अगर एकदम नली की तरह रहता तो ढब ढब आवाज करता, खाना खाते पानी पीते ढक 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 ढक, समझ गया, गिरने लगता है। इसे कहले छत पे का पानी पाइप से नीचे गिरता है वैसा नहीं, तो इसलिए कभी रोक देता है इसे, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके ले जाता, नहीं तो आवाज करता आदमी। ऐसे दूध वगैरह पीता तो भड़बड़ भड़बड़ आवाज करता है, नहीं तो सीधे चल जाता है यहाँ पे। अब इसमें गिरता है यहाँ पे तो आवाज करने लगता है यहाँ पे, समझ गया। तो उसको बस सिस्टमेटिक ढंग से ले जाता है उसको। तो पाचन की क्रिया कहाँ नहीं होती है? आहार नाल का एक हिस्सा है ग्रास नली, जिसमें पाचन नहीं हो, पाचन उसमें नहीं होता। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? पाचन की क्रिया कहां से चालू होती है? कहां से चालू होगी? मुख गुहा से चालू होती है। मुख गुहा से उसका पाचन, किसी का भी पाचन कहां से चालू होगा? मुख गुहा। मुख गुहा में जीभ पाचन का काम नहीं किया, दांत पाचन की क्या किया? दांत पड़ा दिए हैं। लार ग्रंथि पाचन का काम करती है, पैरोटिड सब मैंडिबुलर सब लिंगुअल, तीनों लार ग्रंथि मिलके दिन भर में कितने लीटर? 1.5 लीटर लार निकालती है। लार का होना जरूरी है क्योंकि उसमें लाइसोजाइम कीटाणुओं को जमा होने नहीं देता, इसलिए हम जब तक जगे रहेंगे हमारे दांत पे गंदगी नहीं हो, जैसे हम सो जाएंगे लाइसोजाइम बनना बंद हो जाए, दांत के ऊपर क्या हो जाएगी? गंदगी जम जाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ब्रश करना पड़ेगा, समझ आ गया कि नहीं आएगा? तो ब्रश ठीक ठाक से करना चाहिए। खैर, लड़कों का ब्रश तो झाड़ू हो जाता है इससे, असल में पगला सब क्या करेगा, सब बरसवा को दतवा से दाब लेगा, बटिया तो हाँ दाब को इसे झाड़ू कर देगा वहां पर। आगे बढ़े, किसी को दिखा? अब खाना कहाँ गया? ग्रास नली से अमाशय, ग्रास नली से कहाँ गया? अमाशय। तो अब खाना को ले आते हैं अमाशय से, ये हो गया आपका मुख गुहा, मुख गुहा से ये ग्रास नली। अमाशय बड़ा बना देते हैं क्योंकि अभी तो समझाना हमको क्या है, अमाशय है, अमाशय में खाना गया। अमाशय को हम लोग कहते हैं अमाशय, अमाशय होता है स्टोमक, स्टोमक में खाना कहाँ गया? स्टोमक, अमाशय में चला गया। देखिए अमाशय में तीन हिस्से होते हैं, अमाशय में कितने हिस्से? तीन। ऐसे कोई दीवार नहीं बनी होती है, बट पहले हिस्सा को हम लोग कहते हैं कार्डियक, क्या कहते हैं? कार्डियक फंडिक पाइलोरी, कितने हिस्से? तीन, कार्डियक फंडिक और पाइलोरी, कितने हिस्सा? तीन। शुरुआती हिस्सा कार्डियक, बीच का फंड, साइड का पाइलोरी। कार्डियक का मतलब होता है दिल, हृदय, तो शुरुआती हिस्सा दिल के पास पाया जाता है, पहला हिस्सा कहाँ पाया जाएगा? दिल, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? कार्डियक, शुरुआती हिस्सा कार्डियक, उसके बाद फंडिक, उसके बाद पाइलोरी, कार्डियक फंडिक पाइलोरी, कार्डियक फंडिक पाइलोरी, कार्डियक फंडिक पाइलोरी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? साइंस का कौन सा बुक ले ले? नहीं समझ में आ रहा है तुमको साइंस, तो उनको बुक चाहिए। पूछ रहे कौन सा बुक ले ले? आयुर्वेदिक बुक ले लो, पतंजलि वगैरह वाला, हाँ भास्कराचार्य का उठा लो, या फिर चरक, चरक संगीता, चरक संगीता ले लो एकदम, एक से एक रहता है। आपको साइंस का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम बुक लिखे हैं वो बेस्ट है आपका, कोई क्वेश्चन उससे नहीं छूटेगा। बाकी यहाँ देखिए बीपीएससी में हर साल साइंस का क्वेश्चन पूछता है, हर साल। आप अगर नहीं भी पढ़े ना, क्लास नोट्स भी आए आपके पास, एक तो साइंस नहीं छूटेगा,
एक ने एक तो साइंस का बस क्वेश्चन हर साल छूटेगा आपका केमिस्ट्री का बॉन्ड एंगल का। रीजन क्या है कि वो केमिस्ट्री का वो टॉपिक उठा देता है जिसको समझने के लिए आपको कम से कम 15 दिन एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो भैया वो 15 दिन एक्स्ट्रा दिला के चक्कर में फिर पूरी केमिस्ट्री का हर एक चीज पूरा पीछे से रहना पड़ता है। तो बॉन्ड एंगल पूछ देता है कभी कभी, बॉन्ड एंगल में बॉन्ड एंगल नॉर्मल पूछेगा तो भी बता देंगे, कभी कभी खोखोर के पूछ देता है। बाकी आपको आप पूरा इस साल की बायोलॉजी का क्वेश्चन उठाइए, फिजिक्स का उठाइए, केमिस्ट्री का उठाइए, आपके पास मटेरियल है या कोई सीनियर लड़का है उनके पास मटेरियल है, वरना दुकान पे भी बेचते रहता है ऐसे मटेरियल, तो खैर वो अपडेटेड नहीं रहता है दुकान वाला, उसमें देखिएगा आपका कंप्लीट क्वेश्चन आया रहेगा साइंस से, आपको कोई किताब लेने की जरूरत नहीं। यहाँ देखिए सीधे पहला हिस्सा क्या हो गया, कार्डियक, दूसरा फंडी, तीसरा पाइलोरी। कार्डियक का नाम इसलिए कार्डियक पड़ा क्योंकि ये हृदय के पास था। खाना सबसे पहले कहाँ पहुँचता है, कार्डियक, किसमें, कार्डियक में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, कार्डियक में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। HCl जैसे जैसे भोजन HCl जाएगा ना, टाइलिन के प्रभाव को रद्द कर देगा, कि टाइलिन से ज़्यादा तगड़ा होता है कौन, HCl, टाइलिन के प्रभाव को रद्द कर दिया यहाँ पर, और भोजन को बना देता है अम्लीय। जो छोटे मोटे कीड़ा कीटाणु थे उन्हें तो निपटा दिया था कौन, लाइसोजाइम, लेकिन लाइसोजाइम बहुत ज़्यादा कीटाणुओं को नहीं निपटा पाता क्योंकि भाई उसका पावर ही बहुत कम होता है। तो जितने खतरनाक टाइप के कीटाणु थे उन सब का कौन निपटा देगा, HCl। HCl इतना हार्ड होता है ना, इतना मतलब कि आपका चमड़ा जला सकता है, लेकिन हमारा पेट को नहीं जला पाता है क्योंकि इस पेट के ऊपर एक म्यूकोसा नामक परत होती है, वह म्यूकोसा लेयर एसिड से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ में आ गया, एसिड का कोई, जैसे अगर आप गद्दा पे ऊपर एक बाल्टी पानी गिरा दिए गद्दा भीग जाएगा, लेकिन एक पतला प्लास्टिक बिछा देंगे तो नीचे बच जाएगा, नहीं बच जाएगा। तो ये बहुत जरूर, तो इसके ऊपर एक लेयर होती है, किसकी लेयर, म्यूकोस, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था आपका किसी एग्जाम में अभी हाल ही फिलहाल किसी एग्जाम, तो किस चीज़ की लेयर होती है, म्यूकोसा की, और वह लेयर रहना जरूरी है, अगर वो लेयर हट गया काम खत्म, पेट सफा हो गया, खत्म, छेद हो जाएगा। अल्सर एक बीमारी होती है, अल्सर एक पेट में बीमारी होती है, अल्सर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज होने लगे और म्यूकोसा की परत कमजोर पड़ के हटने लगती है तो आपका पेट में छेद हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही उसको क्या कर देगा, छेद कर देगा, तो वो अल्सर नामक बीमारी होती है। उसको छोड़ दीजिएगा ना तो जान चल जाएगा अल्सर में, तो बीमारी होती बहुत खतरनाक, मतलब नॉर्मल अभी अभी के समय में बहुत खतरनाक नहीं, लेकिन एक समय था वो वहाँ पे। तो HCl बताइए भोजन को अम्लीय कर देता है कि क्षारीय, भोजन को अम्लीय कर, और बचे हुए जो भोजन को दांत से कूचा गया था उसमें लार्वा मिलाया गया था, जब वो एसिड में जाता है तो ऑटोमेटिक टूटने लगता है, क्या होने लगता है, टूटने लगता है, तो भोजन को तोड़ता है, कीटाणुओं को मारता है, भोजन को अम्लीय बना देता है, और बहुत ही हार्ड एसिड है HCl, बहुत ही हार्ड एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन पूछेगा अल्सर नामक रोग में किसका डर हो जाए, किसकी मात्रा बढ़ जाता है, ऐसे कहेगा HCl शरीर के किस अंग में पाया जाता है, आमाशय में, कहाँ पे, आमाशय, और आमाशय के किस अंग में, कार्डियो, किसमें, कार्डियो। HCl बहुत खतरनाक जब तो हो गया यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं, HCl की मात्रा बढ़ जाएगी तो आपके पेट में अम्ल एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी, कभी कभी HCl बढ़ जाता है तो आपके पेट में एसिड की मात्रा बढ़ गई, जिसे कहते हैं एसिडिटी हो गया, क्या हो गया, एसिड, तो वही आपको धुआइन ढेकार आने लगता है, देहात में लोग कहते हैं ना धुआइन ढेकार आ रहा है, पेट गुए गुए बोल रहा है, अरे भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ गया, और आपका सीना जलने लगेगा, कभी कभी ऐसा होता होगा एकदम जलने लगता होगा, अच्छा तो ना अजीब हो गया, मतलब क्या बढ़ गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ गया। अब आपको पता है कि ससुरा जब एसिड है तो एसिड को कम करने के लिए क्षार मिलाना पड़ेगा, क्या मिलाना पड़ेगा, क्षार मिलाना पड़ेगा कि नहीं, किसी को दिक्कत, अब NaOH मिला देंगे तो ससुरा नुकसान कर देगा हम लोग को, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, ये भी तो OH ही है, OH हो गया, तो देखिए ये क्षार है, OH मतलब क्षार, ये अम्ल, ये दोनों कैंसिल कर देंगे कि नहीं कर देंगे, तो जब एसिडिटी बढ़ जाए यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ जाए तो आप क्षार मिला सकते हैं, आपके पास CaOH भी है, चूना पी जाइए, नुकसान कर जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को तो कंट्रोल कर देगा लेकिन फिर आपको अनबैलेंस कर देगा, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए आपके पास कई ऑप्शन है सर, NaOH पी जाइए, ये भी नुकसान करेगा,
ये तीनों मिलके इसके प्रभाव को कम कर देंगे, लेकिन आपको नुकसान कर देगा। ये नहीं पीना चाहिए, शरीर के लिए घातक है। ये नहीं पीना चाहिए, शरीर के लिए घातक है। ये शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता है, तो शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और इसमें जो OH लगा है वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा तुरंत, जैसे मिलेगा तुरंत न्यूट्रलाइज कर देगा। ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, तुरंत। जैसे मान के चलिए आपको गर्म है कोई चीज़, पानी डाल दीजिए, तुरंत ठंडा कर देता है उसको, 5 से 6 सेकंड लगता है। इसी को कहते हैं इनो। क्या है इनो? कितने सेकंड? 6 सेकंड। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? लेकिन कुछ कुछ आदमी को पेट में कुछ होता है, इनो पी जाता है। भैया कुछ पे इनो थोड़े काम करेगा। इनो एक तरह का बेस है, छार, और हमारे पेट में एसिड है। तो किसी भी चीज में धकेल के इनो पी जाएंगे तो थोड़ी होगा। अच्छा, इतना जल्दी काम क्यों करता है? करना ही क्या है उसको? एसिड में जाएगा, बेस बनाएगा। जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो पानी बन जाता है, तो पेट में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, टेंशन खत्म, आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। 6 सेकंड में आराम, धाए धाए दो चार को ढेकार मारिए, आराम शांति रहे। किसी को दिक्कत? इनो कितने सेकंड में काम कर दे? आप लोग पिए होंगे कभी कभी? हाँ, बीमारों पड़ते रहता है सब। बुखार में पी गया था, बुखार में इनो पी गया था तुम। अरे बाप, देखो तुम लोग को बायोलॉजी समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन डॉक्टर बनने की गलती मत करना, वरना गांव का गांव साफ कर देगा। बुखार में इनो पी रहा है। आगे देखिए, तो आगे बढ़े। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन को बहुत अम्लीय कर देता है, इसीलिए जब आप खाना खाते हैं, आप खीर खाइए, अच्छा खाना है, दही खाइए, अच्छा है, अच्छा रसगुल्ला खाइए, सब खाने में स्वादिष्ट लगता है। लेकिन जब आप इसे उल्टी करते हैं तो ससुरा नकिया जरा देता है। आप कभी सोचे खाए तो ठीक था, ससुरा निकला का है इतना खराब? क्या निकला है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कोई कोई को तो नकिया में से फेंकता है सब। वो डिपेंड करता है कि आपका डायफ्राम कितना तगड़ा प्रेशर मारा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितना भयानक प्रेशर मारा है वहां पे। ये सब अक्सर जानते हैं किसमें, या तो कुछ ट्रेन में घुस जाएगा सब, कुछ कुछ बस ट्रेन में। सबसे खतरनाक वो करता है ऐसे झुलुआ पे, वो अरे वो हमको, हम एक के बार उस पर बैठे थे, उसके बाद हम कहें ना बैठेंगे, अरे भाई वो चलाने को चला दिया, वो अचानक रुकता भी नहीं ना, बड़ा झूला होता है, मोमेंटम उसकी ज्यादा होती है, रोकते रोकते 5 मिनट लग जाता है। उसमें कोई चढ़ गए, ऐसा ना उल्टी किया था सब, भर आदमी नहा गया था। यहाँ ऐसे गिर रहा है यहाँ पे। अब भाई जलेबी तो पतला होता है, और उसको खा गया वो जलेबी, और जब बोकरेगा तब मोटा साइज को। उसके बाद हम झूला पे ना बैठते हैं, बहुत साल पहले। भैया कौन बैठेगा, कि जाइन हो जाएगा। अच्छा, आप किसी को बोल भी नहीं सकते, कोई शौक से तो उल्टी कर नहीं रहा है। ऐसा शौक थोड़ी है कि चल हम वो कर देते हैं आप। लेकिन जिनको ऐसा होता नहीं बैठना चाहिए, काय को दूसरे को पूरा खिंचाइन करना है, पूरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से झूला धोआ गया उसका। और कई जगह से ये आ रहा था। वो बड़े वाले में तो कई ठो केबिन बना होता, कौन उन्ने मार रहा है, कौन और खिंचाइन मार ले सब पूरा। अच्छा, मेला में जो आते हो भाई इसको घूमने में के लिए, तो अगर आपको बहुत शौक है तो पहले झूल लो खाली पेट, तो पहले चाट चाउमीन गपचुप फोचका खा के ओके बाद बैठेगा, अब मजा आएगा फेंकने। पैसा भी बर्बाद गया, नहीं समझ में आ गया? पहले घूम लो। हाँ, अरे कुछ नहीं रहेगा तो फिर होगा क्या? कुछ नहीं होने वाला। समझ में आ गया कि नहीं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो पेट के पहले, इसका समझ में आ गया ना सिस्टम? पहला क्या होता है? कार्डियक। तो कार्डियक का तो सिस्टम आपको समझ में आ गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेसिकली इसका काम है कीटाणुओं को मार देना, भोजन को टुकड़ों में तोड़ देना। लेकिन इसकी खराबी ये है, भोजन को अम्लीय कर देता है। भोजन को क्या करता है? अम्लीय करता है। इसको तोड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है। अब भोजन आता है किसमें? फंडिक में। फंडिक में ना कांटे के जैसे छोटी छोटी रचना होती है, जिसे रूजी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूजी। कांटे की समान रचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं? रूजी। ये स्पीड ब्रेकर का काम करता है, भोजन को फंसा के रोक लेता है। जब भी भोजन अभी बड़े बड़े टुकड़ों में रहेगा तो इसमें फंस जाएगा,
छोटे टुकड़ों में रहेगा तभी ना आगे जाएगा, बड़ा रहेगा तो फंस जाए। तो कांटे के समान संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, रूजी कहते हैं, जो भोजन को रोक के रखता है 4 घंटा तक। कितना घंटा रोकता है? बाकी सिस्टम में 2 घंटा लगता है, कंप्लीट पाचन 6 घंटे में हो जाता है, लेकिन पेट में कितना देर लग जाता है? हाँ, 4। कौन रोक के रखता है? रूजी, रूजी रखता है। कौन रखता है? रूजी। ये पेट के फंडिक वाले भाग में होता है। किसमें होता है? फंडिक वाले भाग में होता है रूजी। किसी को कोई दिक्कत नहीं? कभी कभी क्या होता है, इंसान खाना ही नहीं खाता है। कभी आपको किसी काम में बिजी हो गए, 12-1 बज गया खाना खाते, तो भूखे रहेंगे आप, भूखे रहेंगे तो पेट पूरा खाली है, पेट खाली है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पूरा खाली है, रूजी खाली है, तो रूजी के ऊपर जब भोजन नहीं रहेगा तो रूजी ऐसे खड़ा हो जाएगा कांटा की तरह। इसके ऊपर भोजन जाएगा तब नहीं ये नीचे रहेगा, तो इसे कांटे की तरह क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। तो आपको पेट चुभने लगेगा, इसे कहेगा पेट गड़ रहा है। अरे पेट नहीं गड़ रहा है, रूजी गड़ रहा है। क्या गड़ रहा है? रूजी। तो पेट में जब भूख लगती है तभी ये चीज होता है। नहीं कहते हैं बहुत भयानक भूख लगा है, पेट में हाथी कूद रहे हैं सब, हाँ चूहा चूहा हाँ ज्यादा भूख लगता है तो हाथी कूदते हैं सब, अदरवाइज में से तो चूहा कूदता है। तो क्या चीज गड़ने लगता है? रूजी। तो रूजी का बस एक नॉर्मल सा काम है कि भोजन को क्या करना है, रोक के रखना। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ जाए। अब आते हैं इधर वाला पाइलोरी, ये बहुत जरूरी चीज है। पाइलोरिक तो ये होता है इंड हो जाता है, इसलिए ना कई कई किताबों में देखिएगा तो इसे लिखता है पाइलोरिक इंड। तो क्या लिखना है सोचा, जब तुम इसको पाइलोरिक इंड लिख रहे हो तो उसे कार्डियक स्टार्ट लिखो। जब इसे इंड लिखा है तो बिना इस शुरुआत किए इंड कैसे किया? हाँ, तो लड़का से पगलाएगा यही सब पढ़ पढ़ के। इंडियन सिस्टम में बहुत सारी चीज को छांटने की जरूरत है, फालतू फालतू चीज लिख के रख दिया पाइलोरिक इंड, इंड निकालिए वहां से। तो ये हो गया कौन सा? पाइलोरिक। पाइलोरिक वाले भाग में ऊपर में कई सारी थैलियां होती हैं। क्या होती हैं? थैली। थैली को हम बताएं ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रंथ। थैली को क्या कहते हैं? ग्रंथ। ये थैली होती है जिसे हम जठर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहेंगे? इन ग्रंथियों को क्या कहते हैं? जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि। इसे हम कहते गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथि। ये जठर ग्रंथि जो होती है ये बताइए किस भाग में होती है? पाइलोरिक भाग में होती है। जठर ग्रंथि किस भाग में होती है? अब हम आपको बताएं, जन ग्रंथि मतलब होता है थैला। उस थैले में या तो हार्मोन होगा या तो एंजाइम होगा, या तो हार्मोन होगा या तो एंजाइम। आपको हम कल बता दिए थे, हार्मोन जब भी आएगा तो ब्लड, क्या पेट में ब्लड होता है? नहीं? आप उल्टी करके देखिएगा, ब्लड नहीं निकलेगा। अरे उल्टी तो किसी ना किसी सबका ही हुआ होगा, सब लोग का होगा, नॉर्मल ऐसा। बचपन में छोटे बच्चे जो होते हैं उनका पेट एडजस्ट नहीं कर पाता है, तो उनका दिमाग अभी समझ में नहीं आता है क्या करे क्या नहीं करे। तो बॉडी की एक खराबी है, अगर जब उसको समझ में कुछ नहीं आएगा ना तो 3-4 काम करेगा वो, 3-4 उसका कॉमन है। पहले बुखार लगा देगा या फिर वोमिटिंग करा देगा, गर्मी का मौसम है तो पसीना निकाल देगा, ठंडी का मौसम है यूरिन कर देगा। तो देखिए जब भी आप घबराएंगे ना, या तो रोंगटे खड़े होंगे, पसीना छूटने लगेगा, वोमिटिंग टाइप का आने लगेगा, यूरिन लगे। तो ये अलग अलग होता है। तो छोटा बच्चा भी सीख रहा होता है, उसका दिमाग को कुछ पते नहीं रहता, जहाँ थोड़ा सा ज्यादा पी लेगा उल्टी कर देगा। और बकलोलवन को पूरा बोतल भर के दे दीजिएगा तो पूरा पी लेगा एकदम बढ़िया से। छोटा बच्चा रहता है सब, और बहुत खचरा होता है सब। उसके सामने अगर उसके शीशी में ऐसे दूध भरिएगा ना तो हाथ पैर मारेगा, यार मेरा तैयारी हो रहा है, ले आ जल्दी यहाँ पे। हम उसको ले आकर अगवाई से ललचाइएगा तो घुस जाएगा चट्टा कहीं के, दे जल्दी यहाँ। तो देखिए ये हो गया आपका कौन सा? पाइलोरिक। पाइलोरिक में क्या पाई जाती है? जठर ग्रंथ। इसमें कोई ना कोई जूस निकलेगा, रस निकलेगा, यानी एंजाइम निकलेगा। तो उसे आप एंजाइम कहिए या जठर रस कहिए, आप उसे जठर रस भी कह सकते हैं। तो बताइए जठर ग्रंथि से क्या निकलता है? जठर रस, अंग्रेजी में कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। हिंदी में जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि। बताइए जठर ग्रंथि से निकलेगा तो क्या कहा जाएगा? जठर रस, जठर रस, जठर रस। अंग्रेजी में गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, अंग्रेजी में इसे गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस कहां से निकलता है? जठर ग्रंथि से।
और जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? पाइलोरी। जठर रस दो टाइप का होता है। जठर रस कितने टाइप का? एक होता है रेनिन, क्या होता है? रेनिन। और एक होता है पेप्सिन, पेप्सिन। तो बताइए जठर रस कितना? जठर रस रेनिन और पेप्सिन। रेनिन और पेप्सिन। रेनिन तथा पेप्सिन। जठर रस किस ग्रंथि से? जठर ग्रंथ। इसे हम गैस्ट्रिक जूस कह सकते हैं। गैस्ट्रिक जूस कहाँ से निकलता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। कहाँ से निकलेगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? गैस्ट्रिक ग्लैंड, कोई दिक्कत? गैस्ट्रिक ग्लैंड से। कितने टाइप के होते हैं गैस्ट्रिक? दो। गैस्ट्रिक जूस दो टाइप का, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन और रेनिन तथा रेनिन दूध को पचाता है। किसे पचाता है? दूध। ये दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए छोटा बच्चा देखिएगा, जब दूध पीता है आधा घंटा बाद उल्टी करेगा ना, तो दही उल्टी करता है, खाने लायक नहीं होता है वो। करा कि सर सही है ये तो? कुछ खाने के लिए सोच रहा था। ईसा और खतरनाक है। तो वो जो दही उल्टी करता है, जब हम दूध पीते हैं तो वो आगे जाके क्या बन जाता है? दही। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें दो में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना हो कि दूध ज़्यादा फायदेमंद है कि दही, तो कौन होगा? क्यों अल्टीमेट सोच रहा को दही बनना है, तो जाओ ना भैया तुम सीधे। इसलिए बुढ़ापे में डॉक्टर बूढ़े लोगों को दही खाने को कहता है, दूध अवॉइड करने को कहता है। बुढ़ापा में सब पेट वेट सब अलग अलग एकदम सब चीज पुरान धुरान हो गया रहता है। जठर ग्रंथि दो चार को ग्रंथि में से खत्म हो गया रहता है। मान के चले ऐसे ग्रंथि है दो चार को गायब हो गया है में से। बुढ़ापा में आइए नहीं है, ग्रंथि खत्म हो गया, खुदे पच गया है। तो इसमें बुढ़ापा में बहुत दिक्कत होता है। आप लोग अभी यंग हैं, अब आप लोग को उतना दिक्कत नहीं होगा। आप लोग कुछ भी खा लेते होंगे, पच जाता हो। लेकिन अब जब हम लोग के एज के आएंगे तो बहुत बचा के जीना पड़ेगा। वैज्ञानिक आ गया है? हाँ। अरे नहीं जी, उसका बस बाल झड़ा है, कोई टेंशन नहीं लेना जी। नौकरी के बाद सैलरी मिलेगा तो यहाँ बाल जमवा लेना, बाल का बहुत डिमांड है। लड़की सबसे पूछो ना। अब लड़की से बता, इन लोग लड़की है ना बाल ज्यादा रखती है, सर बाल रहना जरूरी है। अब तो नकली भी बहुत आ गया है, टेंशन नहीं लो तुम। आगे देखते हैं, दूध को दही में बताता है, दूध को दही में कन्वर्ट करता है रेनी। पेप्सिन जो होता है ना प्रोटीन को पचाता है। किसे पचाता है? किसे? प्रोटीन को पचाता है। किसे पचाएगा? प्रोटीन सबसे भयानक होता है, इसका पचाना सबसे मुश्किल होता है। भोजन में सबसे मुश्किल से पचता है तो प्रोटीन। इसको पचाना इतना मुश्किल होता है, जल्दी पचता ही नहीं है। तो इसको चार जगह तीन जगह पचाना पड़ता है। पेट में पचता है, फिर छोटी आंत में पचता है, पेट में पचेगा, फिर अग्नाशय पैंक्रियास से पचेगा, फिर छोटी आंत में पचेगा। तो प्रोटीन को कितनी जगह पचाया जाती है? तीन जगह। क्योंकि प्रोटीन का निर्माण बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, प्रोटीन बहुत मुश्किल से बनता है। क्योंकि दुनिया का ज़्यादा चीज भोजन में प्रोटीन है, हार्मोन भी प्रोटीन, एंजाइम भी प्रोटीन, इंसुलिन भी प्रोटीन। तो प्रोटीन बहुत मुश्किल से पचता है, डायरेक्ट प्रोटीन नहीं पच सकता है। तो प्रोटीन पहले टूटता है पेप्टोन में। किसमें? पेप्टोन में। किसमें पचता है? पेप्टोन। तो बताइए पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को तोड़कर पेप्टोन बना देता है। क्या बना देता है? पेप्टोन। क्या बनाएगा? पेप्टोन। पेप्टोन अभी पचा नहीं है, अभी उसका रूप चेंज हुआ है। क्या हुआ है? रूप चेंज हुआ है। अभी पेप्टोन से पेप्टाइड बनेगा, पेप्टाइड से एमिनो एसिड बनेगा। तो क्वेश्चन पूछता है प्रोटीन से पेप्टोन कहाँ पर बनता है? छोटी आंत, अग्नाशय या आमाशय? कहाँ बनेगा? आमाशय। कहाँ बनेगा? पेप्टोन बनता है। पेप्सिन से क्या बनता है? सॉरी, प्रोटीन से क्या बनता है? कौन बनाता है? पेप्सिन। समझा? अगर ये पेप्टोन बहुत बन गया तो टोन निकल जाएगा। याद रखने के लिए इजी है, पेप्टोन ज्यादा हुआ तो टोन निकल जाएगा। टोन इसमें भी है, देखिए। ऐसे रियल में ऐसा नहीं होता है, पेट निकलता है वसा के वजह से। ऐसे याद रखने के लिए हम आपसे कह रहे हैं, पेप्टोन ज्यादा हो गया तो क्या निकल जाएगा? टोन। ठीक है। हालांकि पेट जो निकलता है किसके वजह से निकलता है? वसा। किसे? वसा। किसी को दिक्कत है तो बताइए। आगे बढ़े तो पेट का कितना हिस्सा? बाह पिछला हिस्सा को क्या कहते हैं?
काट पाइलोरी, एकदम पिछला हिस्सा को पाइलोरी क्या कहेंगे, पाइलोरिक कहते हैं, क्या कहेंगे, पाइलोरिक में कितनी ग्रंथियां, दो, कौन कौन, सॉरी ग्रंथि तो एक ही पाई जाती है, जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथि या गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर रस कितने टाइप का, रेनिन, दूध को दही, रेनिन और पेप्सिन, रेनिन का काम दूध से दही, दूध को दही, दूध को दही तो ही बना देना, और पेप्सिन का काम प्रोटीन को तोड़ना, प्रोटीन को तोड़ देना, प्रोटीन को तोड़, प्रोटीन को तोड़ के क्या बना देता, हाँ आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं ना, तो प्रोटीन को तोड़ दिया तो क्या बना, पेप्टोन, तोड़ के क्या बना, पेप्टोन। ये बताइए हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो कोई बहुत बड़ा पाचन का काम किया नहीं, तोड़ फोड़ मचाया बस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो मेनली तोड़ फड़ मचा रहा था, हाँ हाँ कैसे, एसिड दूध को दही बना देता है, नहीं बनाएगा वो, मतलब दूध जमाने के लिए तुम जोरन के जगह एसिड डालना चाहते हो, नहीं नहीं बनेगा, दूध में आप नींबू का पानी डालिएगा दही नहीं बनेगा, फट जाएगा, अब फाटल दही से फाटल दूध से कहाँ का दही बनता है, पनीर बना रहा है। आगे देखते हैं, ध्यान से समझिए, यानी पेट में ये तोड़ फोड़ का काम किया HCl, और ऐसा थोड़ी होता है कि ऐसा नहीं होता है कि पहले HCl निकलेगा फिर ये इंतजार करेगा, एक ही साथ सब निकलता है, एक ही साथ सब निकलता है, एक साथ काम होते रहता है, ऐसा थोड़ी है कि एसिड निकल जाएगा फिर वो पूछेगा हो गई लो चाचा काम अब हम फेट तो एक रहा, ऐसे थोड़ी होता है, एक ही साथ सारा चीज़ निकलते रहता है, एक साथ काम होते रहता है, धीरे धीरे जो चीज़ पूरी तरह से पच गया उसको रूजी छोड़ देता है तो आगे डगर जाता है, बाकी वहीं पर रुके रहता है, ऐसा थोड़ी है यहाँ दीवार है बंद हो गया पूरा पच जाएगा चल रहे आगे बढ़, ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे बचते रहता है आगे बढ़ते रहता है, वहाँ तो पता चला एक बार छोड़ा था दर्द करने लगा, अरे बाप रे कहाँ जा रहा है रे तू, अचानक खाली हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अगर ये गैस्ट्रिक ग्लैंड काम करना बंद कर दे तो क्या प्रोटीन पचेगा, क्या दूध पचेगा, तो जब कभी भी जठर ग्रंथि यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड काम करना छोड़ देता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड या काम करना कम कर देता है या कमजोर पड़ जाता है तो भोजन अच्छे से नहीं पचता है, तो छोटी आंत और बड़ी आंत पेट को गरियाती है, जैसे कि आधे पचा के काहे भेज रहा है, हम ना पचे तो जो, तो उसको कहती से तो वहीं रोक उसको, तो इसको 2-4 घंटा के जगह 5 घंटा रोक के रखते थे, पचा जल्दी 6-7 घंटा तो उसको भूखे नहीं लगेगा, तो लोग कहते हैं कि इसका गैस्ट्रिक ग्लैंड खराब हो गया, डॉक्टर कहता है ना कि आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड काम नहीं कर रहा है, तो गांव का आदमी ग्लैंड काटा और नाम रख दिया गैस्ट्रिक, कौनसी हो गए लो गैस्ट्रिक हो गए लो भाई, सुने गांव का एक कॉमन बीमारी, जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो गैस्ट्रिक हो गया, समझा नहीं, गैस्ट्रिक हो गया गाँव, तो हालांकि वो जठर फिर डॉक्टर दवा देता है ताकि वो सारी ग्रंथियां फिर से एक्टिव हो सके, हम लोग खाना खाते हैं लोग तो यही नहीं ध्यान रखते हैं कि खाने में क्या प्रोटीन विटामिन ये सब जाना चाहिए कि नहीं, अंग्रेज सबको देखिएगा वो अनाज बहुत कम खाते हैं, वो सब ज़्यादातर मतलब प्रोटीन वोटीन वाला चीज़ ज़्यादा खाता है, केक वोक खाते रहेगा सही से, उस सबका खाना देख लीजिएगा ना तो लगेगा कि दिन भर तो नाश्ते कर रहा है रे, पता नहीं क्या क्या खाते रहता है, हम लोग कहा कि जब तक एक थरिया चावल ला गया तब तक तो सोच रहा रूजी घुसिया जाएगा, कहे हमारा काम ही नहीं ले रहा है रे तुम तो, भाई ब्रेड पकौड़ी ये सबको हम रोक के क्या करेंगे, पेट का काम समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत, पानी कहाँ पचता है, पानी काहे को पचा रहे हैं, पानी पचवे नहीं करेगा वो यूरिन के रास्ते जाएगा या पसीना के रास्ते जाएगा, ठीक है पानी तो डिजॉल्व दूसरे को घुला के घुलाने का काम करता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, बोलो बाबू कौन सी पकड़ तो ग्रास नली को कर रहा है कि सर ये जो टिकला यही ग्रास नली है अरे ग्रास नली यहां से लेके यहां तक एक नली होती है 15 सेंटीमीटर का यहां से यहां तक,
पतला पाइप होता है, ये तो आपका थायराइड ग्लैंड है, ये क्या है थायराइड ग्लैंड, और ये आपका हड्डी आई है। जब हम आपको पढ़ाए थे तो आपको हम पढ़ाए थे ऊपर की ओर एक हाइड बोन है, और गर्दन की इन सात हड्डियों को हम लोग क्या कहते हैं सर्वाइकल। अरे गर्दन की इन सात हड्डियों को सर्वाइकल कहते हैं ना, तो ये गर्दन है ना है, उसकी क्या आई है सर्वाइकल है। आई यहाँ पे थायराइड ग्लैंड क्या होती है निकल जाती है मेल में। देखिए ध्यान से, भले इतना समझ में आ गया, ये समझ, ये तुमको समझ में आ गया ना, इसको लग रहा था है ये बस ग्रास नली है, इतनी सा ग्रास नली 15 सेंटीमीटर होता है, 15 सेंटीमीटर का, यहाँ से यहाँ लंबाई में भी अलग अलग लंबाई पे भी डिपेंड करता है, यहाँ से ग्रास नली चालू होता है। मुंह खोलिएगा ना ऐसा मुंह, तो एकदम लास्ट में आपको दिखाई देगा ग्रास नली, वहाँ दिखता ही नहीं है ग्रास नली, यहाँ से चालू होता है। अब कहाँ तक जुड़ा होता है, पेट तक लंबा होता है, यहाँ तक क्या होता है ग्रास नली, अमाशय तक जुड़ा होता है। अब ध्यान से देखिए, इसमें खाना खा लिए, इसमें खाना गया, कितने घंटे रहता है 4 घंटे, कितना घंटा 4 घंटा इसमें खाना स्टोर रहता है। खाना को जब यहाँ आएगा तो ये यहाँ बहुत जरूरी है कि इसके दीवारों से हाइड्रोक्लोरिक एसिड जल्दी से जल्दी निकले, ये जरूरी है कि रूजी तुरंत खड़ा हो जाए, और यहाँ जरूरी है कि इधर से प्रेशर लगा के ज्यादा से ज्यादा जठर रस को निकाला जाए। रूजी को नीचे से प्रेशर कौन देगा, कोई ना कोई होना चाहिए जो खड़ा हो सके इस रूजी को। HCl को पीछे से कौन ढकेलेगा कि HCl निकलो, यहां से भी कोई ना कोई प्रेशर देना वाला होता है, पिछुआ से ढकेले तो इसमें से निकले, कौन ढकेलेगा ब्लड, कौन ढकेलेगा ब्लड, ब्लड इसके पीछे इसकी नली में, बिछुआ में ब्लड नहीं आता है, इसकी नली में पिछुआ ब्लड भर जाता है, और वो ब्लड इसको ढकेलता है निकल, तो इसमें से क्या निकलने लगता है ब्लड, जठर रस, क्या निकलने लगता है जठर, यहाँ नीचे में क्या भर जाता है ब्लड, उसकी नीचे खाली जगह होता है, नसें होती हैं, यहाँ की नसों में ब्लड ज्यादा भर जाता है, नसें यहाँ की फूलने लगती हैं, और ये रूजी क्या हो जाता है खड़ा हो जाता है। उसी तरह यहाँ के पीछे, इसके पीछे जो नली गई है उसमें ब्लड क्या हो जाता है भर जाता है, अब ब्लड यहाँ भर जाता है तो इसमें से भी क्या निकलना है हाइड्रोक्लोर, यानी ब्लड बहुत जरूरी है। इसका मतलब अगर आप खाना खाए हैं तो खाना खाने के आधा घंटा बाद ये पाचन की क्रिया चालू होती है, यानी आपके शरीर से ब्लड थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लेके और पेट की दीवारों में चला जाता है, और ताकि वहां जाके प्रेशर लगा सके, ब्रेन से भी ब्लड वगैरह सब जाके प्रेशर लगाने में चले जाते हैं, तो आपके शरीर में कुछ समय के लिए अचानक ब्लड की कमी होने लगती है, और ब्रेन को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलता है, तो ब्रेन को पता है कि भैया पाचन की क्रिया हो रही है, ब्लड कहीं शरीर से कट के बाहर नहीं गया है, अभी थोड़ी देर में वापस चला जाएगा, तो ब्रेन कहता है तब तक रेस्ट ले लेते हैं, सूज जो आधा घंटा एकदम आराम से आदमी खा के देखते होंगे सूज जाता होगा, देखते हैं आधा घंटा बाद नींद आने लगता हो, जितना हैवी खाना खाइएगा उतना जबरदस्त नींद आएगा, बारात में खा के आदमी बोलेरो में सूज जाता है उठता कब है जब भयानक कोनो ब्रेकर पे चढ़ेगा यार ड्राइवर साहब आराम से हो नहीं, बारात में तो आदमी दाब के खाता है, किसी कोई दिक्कत आगे बढ़ जा। तो खाना खाने के बाद नींद क्यों आती है, ब्लड पेटवा में चल जाता है, प्लेट के पेट के बाहरी दीवारों, ताकि प्रेशर को क्या किया लगा सो। अब देखिए खाना जब आप खाते हैं बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन पानी थोड़ा सा पीना चाहिए, मतलब आधा गिलास, आप खाना खा रहे हैं तो उस दौरान आधा गिलास से ज्यादा पानी नहीं पीना, अब गिलास मतलब नॉर्मल आप समझ जाइए तो 1 से 2 कप पानी, समझ में गए ना, कोनो पंजाबी वाला गिलास ले लेगा वो 2 लीटर वाला तो बहुत, पंजाब का गिलास बहुत तगड़ा होता है लस्सी वाला, नॉर्मल पानी पीना चाहिए। क्यों नॉर्मल पानी पीना चाहिए, ताकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में पानी मिलके वो और अच्छे से फैल सके, जठर रस में मिलके फैल सके, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब पता चला 2 लीटर पानी पी लिए सब पंचुछुर हो गया है, अच्छा से पचबे नहीं करेगा, अब पानी ये नहीं पिए तो दिक्कत है भाई, उतना ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड थोड़े निकलता है, तो थोड़ा सा पानी पीना चाहिए। हालांकि अगर आप पानी नहीं पिएंगे ना तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिग्नल भेज देगा ब्रेन को, छोटा पानी ये नहीं पिया है, तो ब्रेन आपको सिग्नल कहेगा पानी पी ले पानी पी ले, पी लेंगे तब पानी ज्यादा ही, तब ज्यादा ही पानी पी लेंगे आप, तो उसको समझा के रखना है, वरना ब्रेन जो है ना, ब्रेन सबका मुखिया है, जो ना कोनो दिक्कत होगा तुरंत मुखिया जी को पानी दीजिए तो पानी रुक गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया।
पेट का सिस्टम समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्लास कल समझाना है, टाइम भी ज्यादा हो गया। चलिए।